अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेटकैम सॉल्यूशंस। आज हम आपको बताएंगे कि स्टैटिक आईपी के थ्रू अपने एनवीआर डीवीआर को कैसे ऐड कर सकते हैं हाई कनेक्ट ऐप में और कैसे उनका लाइव व्यू ले सकते हैं, जिसमें हम आपको भी तरीका बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हाई कनेक्ट ऐप को एंड्रॉयड फ़ोन्स में डाउनलोड करने का क्या तरीक़ेकार है। अगर उसको देगा आपको उसका आइडिया नहीं है तो हमारे दूसरे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से वो देख लें। ऐप आपने डाउनलोड कर ली है, अब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। अब हम अपने ऐप को ओपन करेंगे। ये हाई कनेक्ट ऐप आप देख रहे हैं। वाईफाई कनेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम लैन लोकल नेटवर्क पे ही हमने एनवीआर टीवीआर लगाया हुआ और उसको लोकल नेटवर्क से ही हमने इस ऐप में डाउनलोड करना है, तो उसको हम अगर यहाँ से वाईफाई से कनेक्टेड होंगे तो ही हम ऐड कर सकते हैं। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंटली याद रखनी है आपने कि जो आपका एनवीआर या डीवीआर वो उसी राउटर से कनेक्टेड हो जिस राउटर से आपका फ़ोन कनेक्टेड है। अब हम उस पर जाएंगे, ऑनलाइन डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी ऑनलाइन डिवाइसेस राउटर पे कनेक्टेड होंगी हाईक्यू की, वो आपके इस यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डीवीआर एक हमें शो हो रहा है जिसकी आईपी है 192.168.10.9। ये आईपी आपने नोट कर लेनी है अगर आपने लैन के थ्रू ऑनलाइन करना है। उसको दोबारा हम प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे, मैनुअल एडिंग पर आएंगे। मैनुअल एडिंग पर आने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एडिंग टाइप्स सेलेक्ट करेंगे, आईपी डोमेन्स में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिवाइस नेम हम डालेंगे, कोई भी नाम हम डाल सकते हैं, डीवीआर 123 और समथिंग, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम डीवीआर देखें। एड्रेस बार में हम आईपी एड्रेस डालेंगे। अगर तो आपने लोकल नेटवर्क को लोकली व्यू करना है तो फिर हम लोकल एड्रेस डालेंगे जो कि हमने ऑनलाइन डिवाइस में देखा है। अदरवाइज अगर स्टैटिक आईपी है कहीं पर आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू उसको ऑनलाइन किया है तो यहाँ पर आप अपनी स्टैटिक आईपी को ऐड कर देंगे। तो स्टैटिक आईपी आप यहाँ पे लिखेंगे या अपना आईपी एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे आप अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐड करेंगे। यूज़र नेम जो भी आपका यूज़र नेम होगा, जो भी आपका पासवर्ड होगा। यूज़र नेम पासवर्ड ऐड करने के बाद ऊपर सेव का बटन राइट टॉप पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे राइट टॉप पे उसको सेव के बटन को प्रेस करेंगे। और इसको जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे नीचे स्टार्ट लाइव व्यू आ रहा है। स्टार्ट लाइव व्यू को क्लिक करेंगे तो आपके ये कैमराज, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपके सारे कैमराज ऑनलाइन आपके आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेटकैम सॉल्यूशंस। और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और हम आपको जल्दी इसका जवाब दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।